वेलकम बच्चों, ये वीडियो क्लास इलेवेंथ के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स, ठीक, वो भी फिजिक्स फर्स्ट, पेज फर्स्ट का चैप्टर वेक्टर। बच्चों, अब तक हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक। यूनिट वेक्टर का कन्वर्जन समझाया बेटा हमने आपको। आज पढ़ाएंगे हम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स। क्या लिखा बच्चों? एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए वैक्टर ए, आफ्टर दैट ड्रॉ अनदर वैक्टर बी फ्रॉम अराउंड एरो हेड ऑफ ए, देन रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक ऑफ वैक्टर ए एंड विच इज एंडिंग एट द एरो हेड द वैक्टर बी, देन इट्स क्लियर दैट वैक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर ए एंड बी। आप समझ गए होगे, नहीं समझे हो तो हम समझाते हैं बच्चों इसको आपको। यानी आपके पास में एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी, ठीक। वेक्टर ए बच्चों आपका ये रहा और वेक्टर बी ये रहा। तो आपने क्या करा, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करा, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया। वेक्टर ए को ड्रॉ करने के बाद वेक्टर बी का टेल को वेक्टर ए के हेड से सेम एंगल बनाते हुए यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये सेम एंगल बनाते हुए किसको ड्रॉ कर दिया बच्चों आपने? वेक्टर बी को। तो अब क्या करिए, वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड को जॉइन कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब जो ये जो वेक्टर आएगा वो होगा बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आ गया बच्चों आपको? फिर समझिए, आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पहले हमने वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया, फिर सेम एंगल और सेम मैग्नीट्यूड बनाते हुए ए के हेड से बी के टेल को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी को। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए के एंड और वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन कर दीजिए। वही जो वेक्टर बच्चों आपका आएगा वो ए और बी के एडिशन का रिजल्टेंट होगा। दैट्स मीन ये होता है बच्चों आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे फिर समझ लीजिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ वेक्टर ए। इन सबसे पहले क्या ड्रॉ करा आपने? वही चीज सबसे पहले ड्रॉ कर दिया बच्चों आपने वेक्टर ए, ठीक। फिर क्या कहा, आफ्टर दैट ड्रॉ अनदर वेक्टर बी, और उसके बाद में आपने वेक्टर बी को ड्रॉ करा, ठीक। फ्रॉम एरो हेड ऑफ ए, कहाँ से ड्रॉ करा? ए वेक्टर ए के एरो हेड से ड्रॉ करा, ठीक। देन द रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक ऑफ ए, लिखा जो रिजल्टेंट आर होगा वो ए के बैक यानी ए की टेल से बी के हेड तक, कहाँ तक? विच इज एंडिंग एट द एरो हेड ऑफ द वैक्टर बी। बी के कहाँ तक बच्चों? ये बी के हेड तक। आगे देन इट इज क्लियर दैट वैक्टर आर, इसे पता पड़ेगा जो क्लियर क्या हो गया हमारा, जो वैक्टर आर होगा इज द रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर ए एंड बी, और वैक्टर ए और बी का क्या होगा बच्चों आपका? ये रिजल्टेंट होगा। देन वैक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक बच्चों, और इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लोगे। दैट्स ओके, समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक। अब सेम एज पढ़ते हैं बच्चों हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक। ये रहा आपका सेम ऐसे ही टू वेक्टर सबट्रैक्शन टू वेक्टर।
टू वेक्टर कैन बी सब्सट्रैक्ट, दो वेक्टरों को हम लोग कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉ ए वेक्टर ए, सबसे क्या करेंगे वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट ड्रॉ अनदर वेक्टर अराउंड द हेड ऑफ हेड अपोजिट टू बी, ठीक है, क्या हम लोग वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ड्रॉ करेंगे मगर अपोजिट डायरेक्शन में। यदि बी की डायरेक्शन कहाँ थी, ये थी, तो इसको इस अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, ऊपर की ओर थी तो क्या करें नीचे की ओर। स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक ऑफ ए और ए के एंड से बी के हेड तक मिलाने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो बनेगा बच्चों आपका कौन सा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या बनेगा बच्चों आपका, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देन इट इज क्लियर दैट वेक्टर आर इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, देन आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये समझ में आ गया बच्चों आपको, आज के लिए इतना ही। और सही बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख, नाम और सेक्शन लिखकर अटेंडेंस लगा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।